चारे को सुखा करके ये आग का भी काम किया जाता है। ये भट्टी लगी हुई है, देखिए आपको यहाँ थोड़ा मैं ऐसा दिखाना चाहूँगा और इसका पूरा सिस्टम आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये अभी तैयार कर रहे हैं। आप अंदाज लगा लेंगे, उसके बाद में थोड़ा डिटेल मैं आपको बता दूँगा। तो देखिए जो राख रहती है इसके अंदर जाती है, ये एक यहाँ कुआँ या इस प्रकार का बना हुआ है। अभी यहाँ देखिए काफ़ी डेंजरस है ये, यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगा मैं। देखिए यहाँ पर से पूरी ये आपको यहाँ ये भट्टी दिख रही है, तो काफ़ी दोस्त यहाँ पर टेम्परेचर हाई है। आप देख सकेंगे ये जो यहाँ पर ये जो आपको गुफा नुमा ये दिख रहा है, तो यहाँ काफ़ी नीचे टेम्परेचर होता है। और ये देखिए पूरा ये लोहे का बना हुआ है, यहाँ से आग झोंकी जाती है दोस्तों। आग आग के लिए मतलब जो ये चारा सूखा हुआ है ये झोंका जाता है, देखिए किस तरीके से। और ठंडाई की जो पत्तियाँ होती हैं वो ठंडाई की पत्तियाँ इसके अंदर में डाली जाती है, जो बॉयलर हैं। तो भैया पत्ती कहाँ से डालते हैं ये? ऊपर से ढक्कन खुल जाता है। अच्छा, ये ऊपर से देखिए ओपन हो जाता है और इसमें पानी भी रहता है क्या? पानी भी डाला जाता है। पानी में दोस्तों उबाला जाता है इसको। तो पानी में दोस्तों उन पत्तियों को उबाला जाता है, जैसे मैंने आपको खेत पे दिखाया था। और एग्जास्ट के लिए यहाँ पर आप देखेंगे ये भट्टी का जो धुआं है, यहाँ से ये आप देखेंगे अच्छे से, यानी कि पूरा इसे डिस्टिल किया जाता है, डिस्टिलाइजेशन किया जाता है इन चीज़ों का। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से ये जो भाप बनती है इन पाइपों के द्वारा, आप देखेंगे ये इन पाइपों के द्वारा जलेबी नुमा यहाँ पर ये कॉइल लगी हुई रहती है, भाप इसमें से होकर के गुजरती है और यहाँ से नीचे ठंडी हुई होती। आप देखेंगे कि ये यहाँ पर ये दादाजी बैठे हैं, तो देखिए कितने थोड़ा थोड़ा करके ये तेल जाओ बाबा, थोड़ा सो निकल के दिखाओ। देखिए ये बाबा जी, ये यहाँ से ये ठंडाई निकल रही है देसी स्टाइल में। देखिए इस कलर की होती है, बाद में इसे कहाँ फैक्ट्रियों में देते हैं आपकी बड़े सेठों को, कहाँ ये देते हैं ये? यहाँ तो डीलर लोग रहते हैं, उनके पास बेच आते हैं, फिर वो अपना कहीं बरेली भेजते हैं, कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ उनका कॉन्टेक्ट रहता है। तो दोस्तों जैसे कि भैया बता रहे हैं कि यहाँ पर ये बरेली और जहाँ इंट हैं, सलमान शरीफ हो गया, ये देखिए काफ़ी इसमें जैसे कि यहाँ हम माथे में जो लिक्विड इस्तेमाल करते हैं और सूंघने पे काफ़ी अच्छा खुला हुआ सांस, मतलब कोरोना के समय में तो ये बहुत बिका होगा ये। हाँ है ना, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा थी सांस के लिए। बिकता है मतलब इसका शेयर मार्केट से ताल्लुकात होती है। अच्छा अच्छा, जैसे आपका शेयर घटता बढ़ता है वैसे इसका तेल का भी रेट घटता है। तो जैसा जानकारी भाई साहब ने बताया कि शेयर मार्केट पर आधारित इसका बाजार होता है, जैसा सूचकांक चलता है वैसे इसका यह घटता बढ़ता रहता। देखिए इसे ठंडा जैसे भाप होती है, तो ठंडा होने के बाद भाप कन्वर्ट हो जाती है छोटी छोटी पानी की बूंदों में और सब स्टोर होके यहाँ पर ये इकट्ठा होती है और इसमें से जो भाप निकलती है पानी या जो गंदा पानी रहता है, तो दोस्तों पानी ऊपर आ जाता है। ये यहाँ से देखिए इस प्रकार से नालियों के जैसे ये नाली नुमा ये जगह बनाई गई है और देखिए इनकी जो स्थिति है इस प्रकार की रहती है। तो थोड़ा से भैया से जानकारी लेंगे कि भैया ये कैसे रुपए लीटर आप बेचते हैं? ये अभी आज का रेट है इसका 995 रुपए किलो, यानी एक एक लीटर। हाँ, एक किलो किलो में बिकता है। अच्छा, ये किलो में बिकता है। तो दोस्तों 995 आज का रेट, यानी डेली भाव घटता बढ़ता रहता है। तो ये रेडी होने पे आपको मतलब समथिंग 1000 रुपीज है ना, 1000 रुपए का, 1000 रुपए का ये बिकता है। तो ये दोस्तों काजीपुर बोलते हैं इसको। तो ये स्थान जो है काजीपुर है और यहाँ पर इनकी भट्टी लगी हुई है अंकल जी की। तो आप अपना शुभ नाम बताएंगे? मोहम्मद जुबैर। ये मोहम्मद जुबैर भाई हैं, बहुत अच्छा लगा मिलके। हमारा YouTube चैनल है, तो हमारे दर्शकों को बोल दीजिए कि नफीस भाई के आहिल राज ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, नफीस भाई के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी जानकारी हमें भाई साहब ने बताई। देखिए ये कंटेनर है और यहाँ बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे ये भाई का। हाय बोल दीजिए भाई, रजा भाई का, जिन्होंने हमें यहाँ पर लेकर के आए
और ये छोटे छोटे इनके औजार उपकरण हैं। आइंदा भविष्य में फिर आएंगे आप लोगों को इस प्रकार की जानकारी देने के लिए। काफ़ी दूर से यानी 900,000 किलोमीटर चल करके इस मिनी प्लांट को देखने के लिए आए आप लोगों को जानकारी साझा करने के लिए। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही था। टेक केयर।